जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं क्रेडिट प्लस लोन एप्लीकेशन का। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4.0 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है और 1 मिलियन से ज़्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसको कहूँगा अंडर रेटेड लोन एप्लीकेशन, क्योंकि कई लोगों को डाउट होता है क्या ये एप्लीकेशन रियल है फेक है। तो भाई सारे आपके मैं आज डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया है, यहाँ पे आपको कितना लोन मिलता है, कितना इंटरेस्ट लगाया जाएगा, क्या प्रोसेसिंग फीस है, इसका कस्टमर सपोर्ट कैसा है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबका जो बड़ा डाउट होता है ना कि भाई ये कहीं फेक है लोन एप्लीकेशन तो नहीं है चाइनीज वाली, नहीं भाई ये रियल लोन एप्लीकेशन है, एनबीएफसी से अप्रूव्ड है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है। अगर आप यहां से लोन लेते हो टाइम से रीपे नहीं करोगे तो भाई सिविल स्कोर में इंपैक्ट चला जाएगा, ठीक है। ये रियल एप्लीकेशन है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, 10 लाख से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे लोन लेने के लिए। तो देखो यार, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो तो यहाँ से आपको लोन नहीं मिलेगा। ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली उनको लोन प्रोवाइड करते हैं जो सैलरीड पर्सन है, ठीक है। अब सैलरीड पर्सन है तो भाई आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो भाई, अगर आपकी एज यहाँ पे 21 साल से ज्यादा है और जो आपकी सैलरी है 20,000 से ज्यादा आ रही है तभी आपको यहाँ से लोन मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे आपको कोई भी लोन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे आपको लोन मिलता है, लोन की अमाउंट भी ज़्यादा नहीं मिलती, एक आपको शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है। देखो आपको लोन मिलेगा 10,000 रुपये से लेके 35,000 रुपये तक का, यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। किंतु भैया ये 35,000 का लोन आपको ऐसे नहीं मिलेगा, इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे वो आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा और साथ में आपकी सैलरी प्रूफ भी लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, साथ में आपकी जो सैलरी होगी वो भी दिखानी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे लोन मिलेगा स्टेटमेंट में, ठीक है। स्टेटमेंट अपलोड करोगे, वो आपकी सैलरी को फेच करेंगे, उसके बाद ही आपका यहाँ पे लोन अप्रूव किया जाएगा, ठीक है। चलो ये तो बात रही कि आपको लोन अमाउंट कितना मिल रहा है, लेकिन उस पे आपको ब्याज कितना लगाया जा रहा है। भाई साहब देखो, आपको अप टू 20% का यहाँ पे ब्याज लगाया जाएगा, लेकिन जो इसका टेन्यूर रहेगा, टेन्यूर भाई 3 से 4 महीने का ही रहने वाला है, ठीक है। तो 3 से 4 महीने का यहाँ पे आपको लोन मिलेगा, क्योंकि लोन अमाउंट ही कम है भाई, मैक्सिमम यहाँ पे आपको 35,000 का लोन मिल रहा है, ठीक है। और जो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे आपको चार्ज करी जाएगी वो अप टू 3% लिखी हुई है। देखो 4% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है, ये देखो ये चीज डिपेंड करती है आपकी सिविल स्कोर पे। अगर आपकी सिविल स्कोर बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है, तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, यहाँ पे आपको 2% 1% ही प्रोसेसिंग फीस चार्ज करी जाए। लेकिन अगर आप हाई रिस्क में आते हो तो हो सकता है यहाँ पे आपको ज्यादा प्रोसेसिंग फीस लगाई जाए, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें तो हमने बात कर ली जो इन्होंने एप्लीकेशन में मेंशन कर रखी है। लेकिन अब इनके कस्टमर सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, इनके प्रो एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रो में तो ये है कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, आपको इमरजेंसी के लिए फंड चाहिए, इजी लोन चाहिए कहीं से, तो आराम से यहाँ पे आप अपनी सैलरी इनकम भर देना, बैंक स्टेटमेंट भर देना, आपको इंस्टेंट यहाँ पे लोन मिल जाएगा, ठीक है। डिसबर्समेंट में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मिल जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कॉन्स में, तो कॉन्स में ये गाइस, जो इसका इंटरफेस एप्लीकेशन का बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे जो कस्टमर सपोर्ट है वो इतना अच्छा नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ऐसे काफी लोग रिव्यू में लिख रहे हैं, इनकी जो टेक्निकल वाइज टीम होती है, कोई अगर ग्लिच हो जाता है एप्लीकेशन में या कोई भी लोगों को दिक्कत होती है तो उतना सपोर्ट नहीं दिखाते, ठीक है। तो ये इसका एक यार कौन सामने आता है। बाकी दूसरा सिनेरियो ये, अगर यहाँ पे आपका लोन अप्रूव भी हो जाता है तो कुछ कुछ लोगों ने लिख रखा है कि भाई डिसबर्स ही नहीं हो रहा, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हम मेल करते जा रहे हैं, मेल करते जा रहे हैं, ये भाई साहब अभी तक हमें पैसा नहीं मिला। ऐसे कुछ कुछ लोगों के साथ हुआ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ये लोन ही प्रोवाइड नहीं करते, प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो इनका कस्टमर सपोर्ट है वो इजीली इनको रिस्पॉन्स नहीं करता अगर किसी कोई दिक्कत होती है तो। साथ में अगर आप यहाँ पे कोई लोन भाई गलती से भी डिफॉल्ट कर देते हो ना, तो इनका जो कस्टमर सपोर्ट है आपको काफी ज्यादा फोन करेगा, वो तो कोई भी एप्लीकेशन हो एनबीएफसी वाले वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों ने बोला कि मेरे को बहुत ज्यादा हराश किया जा रहा। तो दो इसके सिनेरियो में, देखो एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे अगर ये आप सैलरीड पर्सन हो, लेकिन इसके कॉन्स में कि अगर आप यहाँ पे रीपे नहीं करते हो तो भाई आपको काफी ज्यादा हराश किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें यार कोई दिक्कत नहीं है, हर एप्लीकेशन ऐसा करती है, जितनी भी एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको भाई इन एप्लीकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना तो आप बैंक से डायरेक्ट लोन ले सकते हो, लेकिन आपको पता है बैंक से आप लोन लेने जाओगे भाई उधर कितना भाई मगजमारी होता है, इसलिए जो एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन होती है थोड़ा सा हराश करती है, आपके रेफरेंस पे कॉल करते हैं। तो अब कंफ्यूजन की बात करें तो यार देखो, अगर आपको क्रेडिट प्लस पे लोन लेना है आप ले सकते हो, लेकिन आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो अगर आप टाइम से रीपे कर सकते हो तभी लोन लेना, क्योंकि इनकी जो लेट फीस चार्जेस है बहुत ज्यादा जाएंगे और साथ में आपके रेफरेंस पे भी नंबर पे कॉल जाएगा, ठीक है। दूसरा ये, अगर आपको इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस ये दोनों चीजें भाई बढ़िया लग रही है और टेन्योर तो भाई इसका ज्यादा है ही नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं कह सकते, क्योंकि 3 से 4 महीने का यहाँ पे आपको टेन्योर मिलेगा, लेकिन वही 3 से 4 महीने में अगर आपको ईएमआई जो है उस पर ब्याज कम लग रहा है, प्रोसेसिंग फीस कम चार्ज करी जा रही है, तब आप डेफिनेटली इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और डिसबर्समेंट में मैं बता रहा हूँ आपको ज्यादा समय नहीं लगता है, कभी कभी हो जाता है कि यार 10 दिन का लग गया, कुछ कुछ लोगों के साथ हुआ है, बाकी 2 से 3 दिन में इसका जो पैसा होता है जब
जब आपकी पूरी सैलरी के अकाउंट का भाई जो स्टेटमेंट अपलोड करते हो ना, तो ये मैन्युअली चेक करते हैं। चेक करने के बाद जब ये वेरीफाई कर लेंगे तो आपके पैसे सारे बैंक में ट्रांसफर कर देंगे 2 से 3 दिन में, ठीक है। फिर भी दोस्तों, अगर आपको क्रेडिट प्लस से लोन मिलता है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको यहाँ पे कितना इंटरेस्ट लगा है, कितनी प्रोसेसिंग फीस लगी है, जो आपको लोन मिला है या नहीं, आप सारा भाई अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आई होप आपको ये छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर आपका भी कोई डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये रहा मेरा यूजर नेम आईडी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।